वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 11th of March 2024। पिछले हफ्ते दैट मींस योर 4th मार्च से 8th मार्च तक करेंसी में कैसे बिहेव किया एंड आज से यानी आपका 11th मार्च ऑनवर्ड्स कैसे करेंसी बिहेव कर सकता है उसका एक एनालिसिस। पिछले हफ्ते में डॉलर इंडेक्स एक नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया है, एक स्ट्रांग नेगेटिव कैंडल के साथ। अभी हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि इस हफ्ते में यानी मंडे ऑनवर्ड्स आज से क्या डॉलर इंडेक्स पिछले हफ्ते के लो के नीचे सस्टेन करते हैं या नहीं। दैट मींस 102.30 के नीचे सस्टेन करते हैं या नहीं, फॉलो थ्रू मिलता है या नहीं। अगर फॉलो थ्रू मिलते हैं तो हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट हो सकता है वो है 101 से 101.70 के बीच में। अगर डेली चार्ट को हम देखेंगे तो डेली चार्ट में फ्राइडे के दिन में एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है आफ्टर ए फॉल बैक टू बैक 5 डेज सेलिंग वीकनेसेस ऑन डॉलर इंडेक्स, एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है। सो इट्स अ पॉज कैंडल। पॉज कैंडल का मतलब क्या है, लो के नीचे हमें एक सेलिंग मोमेंटम देख सकते हैं, हाई के ऊपर थोड़ा सा पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो इमीडिएटली एक जो हमारा रेजिस्टेंस जोन बन सकता है वो है 103.50 से 104.50, 1 BB का एक बड़ा जोन है। क्या आने वाले दिनों में इस जोन में रेजिस्टेंस लेते हैं, स्पेशली 103.40 से 103.60 के बीच में, ये हमें देखना पड़ेगा। जीबीपी डॉलर जो आपका वीकली क्लोज दिया हुआ है ये एक वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ दिया हुआ है। लास्ट वीक में जो हमने देखा है it traded a low of 1.2645 and a high of 1.2893. Finally closed at 1.2855. Currently 1.2850 पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे हमें देखना है कि ऊपर की तरफ 1.2850 का एक रेजिस्टेंस लेवल था, उसके ऊपर क्लोज दिया हुआ है। अभी हमें ये देखना है कि पिछले हफ्ते का जो हाई है 1.2895 इसके हाई के ऊपर मंडे ऑनवर्ड्स यानी आज से क्या ये सस्टेन करते हैं या नहीं। अगर हम डेली चार्ट को देखेंगे, डेली चार्ट में एक 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स का एक स्ट्रेट बैक टू बैक पॉजिटिव कैंडल्स के साथ एक रैली देखा गया। इतना स्ट्रॉन्ग शार्प रैली के बाद मींस बाई करंट लेवल पे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। यहाँ पे क्या ये पुल बैक देते हैं, थोड़ा सा पुल बैक, उसके बाद अगर हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट वन। जीबीपी आईएनआर सिमिलरली बैक टू बैक 6 बुलिश कैंडल दिया हुआ है। अभी ये एक रेजिस्टेंस जोन के अपर एंड पे अटके हुए हैं, यानी ये जो जोन है यहाँ पे इसको इस जोन को तोड़ के निकलना है अगर ये एक बुलिश टेरिटरी में जाना है तो। यूरो डॉलर वीकली जो है इट्स आल्सो ए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। यहाँ पे पिछले हफ्ते में जो हमने देखे हैं ये ट्रेडेड ए लो ऑफ 1.0835 एंड हाई ऑफ 1.0981। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ अच्छा खासा देखा हुआ है, लेकिन जो हमें देखना है आरएसआई अप्रोचिंग 60। सो ये एरिया पे जो करंट ट्रेड कर रहे हैं दैट मींस मे बी जो हाई मारा है 1.10 लेवल पे एक बढ़िया सा रेजिस्टेंस का एक एक्सपेक्टेशन है। आरएसआई जब तक ये फ्रीली 60 के ऊपर क्लोज नहीं देते हैं तो बाई थोड़ा सा करंट लेवल पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, रेदर वी मे थिंक फॉर बाय डिप्स। अभी डेली चार्ट में फ्राइडे के दिन में एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है आफ्टर अ बैक टू बैक रैली ऑफ 5 ट्रेडिंग बुलिश कैंडल फॉर्मेशन। कल के दिन में यानी फ्राइडे के दिन में एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है, इस डोजी का मतलब पॉज है, लो के नीचे पुल बैक, हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन। क्या होगा आज से ये हमें देखना पड़ेगा। यूरो डॉलर में भी फ्राइडे के दिन में एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है आफ्टर ए बुलिश रन फ्रॉम 89.50 लेवल टू 90.60 लेवल्स, उसके बाद एक पॉज। इसको अगर ऊपर जाना है तो इसके हाई के ऊपर कंटिन्यू करना पड़ेगा, लो के नीचे डोजी कैंडल के लो के नीचे थोड़ा सा पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर येन पिछले हफ्ते में एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है।
with an intra-week high of 150.56 and low of 146.47. Currently, ये 147.03 पे ट्रेड कर रहे हैं. सो यहाँ पे हमें देखना है एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल, इसको फर्दर नेगेटिव होना है तो पिछले हफ्ते के लो के नीचे 146.50 के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा. डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे, डेली चार्ट में भी बैक टू बैक चार नेगेटिव कैंडल बनाए हुए हैं. हल्का सा मींस स्ट्रेट कंटिन्यूएशन मींस थोड़ा सा मींस देयर इज अ हाई चांस ऑफ थोड़ा सा पुलबैक. पुलबैक में हम सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं. येन आयनर पे अपना वीकली चार्ट को देखोगे, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फर्स्ट टाइम आफ्टर ए शॉर्ट सेल ऑफ. ये बुलिश कैंडल इसके हाई के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं वीकली बेसिस पे, देन ओनली देन एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ जा सकते हैं. डेली चार्ट में देखेंगे, डेली चार्ट में ये एक बैक टू बैक चार बुलिश पॉजिटिव कैंडल्स के बाद ये आज का दिन का मंडे का दिन है. तो यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक में हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं. डॉलर कैंडी में जो आपका वीकली कैंडल बनाया हुआ है एक ऑल्दो नेगेटिव इन कलर बट स्पिनिंग टॉप बोथ साइड रिजेक्शन. सो ये रेंज के अंदर में ही कौन सा रेंज 1.3350 ऑन द लोअर साइड एंड 1.3550 ऑन द हायर साइड, इसी रेंज के अंदर में ट्रेड करना चाहिए. उसी डॉलर यहाँ पे भी एक मीन्स बॉटम आउट करके मीन्स बुलिशनेस के तरफ जाने का प्रयास कर रहा है. पिछले हफ्ते का जो वीकली कैंडल है इट्स अ बुलिश कैंडल बट प्राइस रिजेक्शन ऑन बोथ द टू एंड्स, तो इसका जो स्ट्रेंथ है हल्का सा निगेट हो रहा है. तो अभी जैसे ही पिछले हफ्ते के हाई के ऊपर सस्टेन करेगा तब यहाँ पे हमें एक अपवर्ड बायस स्ट्रेंथ के साथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. CNH 7.1955. सो ये जो रेंज है 7.23 ऑन द हायर साइड एंड 7.17 ऑन द लोअर साइड, इसी जोन के अंदर में सस्टेन कर रहे हैं. तो इसको सस्टेन करने देते हैं, एक बार मोमेंट आइदर साइड डायरेक्शन को ब्रेकआउट करने देते हैं, उसके बाद हम सोचेंगे. अभी आते हैं ब्रेंट क्रूड. ब्रेंट क्रूड में आपका पिछले हफ्ते में एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है एंड आज के दिन में थोड़ा उसका फॉलो थ्रू देखने को मिल रहे हैं. यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये डेली चार्ट में भी फ्राइडे के दिन एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल आया है एंड आज मॉर्निंग आवर्स में ये कंटिन्यूएशन दिख रहे हैं. यहाँ पे देखने वाला चीज क्या है, ये बोलिंजर बैंड के नीचे की तरफ बैंडवर्क, क्या ये बैंडवर्क के नीचे जाते हैं. इन सच केस एक अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इनिशियल जो हर्डल्स है this level is going to be a initial hurdle yani support level, is level ko tod dete hain to ek badhiya sa momentum niche ki taraf hum expect kar sakte hain Brent crude mein. Next aate hain US 10 year treasury jo weekly close diya hai wo ek strong negative candle ke sath diya hai. Weekly closed at 4.079 pe. Daily chart mein agar iska analysis dekhenge Thursday ke din mein ek spinning Friday ke din mein ek spinning top dekha gaya hai. यानी यहाँ पे ये थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं. स्पिनिंग टॉप का रेंज यानी अपर एंड एंड लोअर एंड बिकम्स क्रूशियल. लो के नीचे सेलिंग कंटिन्यूएशन, हाई के ऊपर हल्का सा पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अगर हम टू ईयर ट्रेजरी को देखेंगे, यूएस टू ईयर ट्रेजरी, तो यहाँ पर भी आपका एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है लेकिन प्राइस रिजिस्टेंस एट बोथ द टू एंड्स. सो इसका जो नेगेटिविटी है vis-a-vis the US 2-year treasury, दोनों में difference है. 10-year treasury में आपका अच्छा खासा negative strength है, 2-year treasury में उतना ज्यादा strength नहीं है because of the price revisions. तो हमें इंतजार करना पड़ेगा strong daily close below the previous week's low. इसके बाद ही थोड़ा सा negativity हम expect कर सकते हैं. daily chart को अगर हम देखेंगे तो daily में भी Friday के दिन में एक spinning top candle बनाया हुआ है. spinning top यानी इस pause का either side becomes a crucial. लो के नीचे सेलिंग, हाई के ऊपर पुल बैक, यही हम देख सकते हैं. सो करंट अच्छा लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज डॉलर रुपी. डॉलर रुपी ग्रेजुअली सॉफ्ट हो रहा है. जैसे कि आप देखोगे हमने करीबन 10 दिन पहले टेंटेटिव एक एनालिसिस किया था डॉलर रुपी रेंज शिफ्ट. रेंज शिफ्ट बोले तो जो रेंज में था लोअर लेवल पे 80-80 एंड ऊपर की तरफ 83-30, वो जो रेंज है उस रेंज को ग्रेजुअली नीचे की तरफ आ रहा है. हाईज आर कमिंग डाउन, लोज बिकम फिक्स्ड. सो इस बात के बाद, इस रेंज के बाद एक ब्रेकआउट होना चाहिए. कौन सा डायरेक्शन में? टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से नीचे की तरफ रेंज को शिफ्ट होना चाहिए. तो यहाँ पे अभी
हमें जो चेंज्ड लेवल लग रहा है अभी भी, बेसिकली अभी भी आप देखोगे 82-70-75 ड्यूरिंग आवर इंडियन मार्केट आवर्स, इसको तोड़ नहीं रहे हैं कल के मीन्स। लेकिन हमें एक वो दिखेगा मीन्स एक रेंज ऐसा प्रतीत होता है कि लोअर साइड में 80-40 80-60 सपोर्ट बन सकता है, हायर साइड में आपका 83-83-10 एक रेजिस्टेंस बन सकता है। सो द जोन जोन बिकम्स मीन्स चेंज्ड फ्रॉम आपका ये हायर एंड पे ये वाला हो जाएगा, दिस इज द रेजिस्टेंस जोन, एंड लोअर लेवल पे आपका सपोर्ट बनना चाहिए 40, ये वाला 42, सिक्सटी लेवल्स। ये जो दो जोन है इस दो जोन के बीच में रहना चाहिए प्राइस एक्शंस को। तो क्या मीन्स दैट बीइंग द केस, कंसीडरिंग दिस पर्टिकुलर फैक्ट, कंसीडरिंग दिस पर्टिकुलर फैक्ट, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोअर लेवल पे बाई डिप्स एंड ऊपर पे सेल ऑप्टिक्स दोनों के साइड से खेल सकते हैं। तो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। सॉरी फॉर रिकॉर्डिंग द वीडियो लेट ऑन मंडे रेदर देन मेकिंग ऑन सैटरडे और संडे। तो आशा करता हूँ आप एक्सक्यूज करेंगे। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। Thank you and wishing you all a great day.